आ गए सब लोग, अनदर डे अनदर गुड न्यूज। टाइटल थंबनेल देख लिया, इसके बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लाइक सीरियसली व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये इतने सारे गुड न्यूज काहे को मिल रहे हैं, अपने आप को सवाल कर रहा हूँ, व्हाई, इतना ब्लेसिंग नहीं चाहिए ना हमको। मैंने जब से एनिमे देखना स्टार्ट किया, एकदम शुरू से लेके, मेरा फर्स्ट एवर एनिमे, तब से लेके आज तक अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना, लास्ट 2 महीने के अंदर एनिमे कम्युनिटी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इंडिया में, ऐसे पेसिंग के साथ कभी आगे बढ़ते हुए देखा ही नहीं, नेवर। ये 2 महीने से जुलाई एंड अगस्त अभी जो चल रहा है भाई, बस फोर्थ वे देख रहा हूँ। एक के बाद एक गुड न्यूज आ रहा है मेरे भाई। ड्रैगन बॉल सुपर इंडिया में आ रहा है, डबिंग हुई, बहुत बढ़िया चला, बहुत मस्त रिस्पॉन्स। उसके बाद पीवीआर वाले भी लाइक हम यहाँ पर अभी है, जीजे के जीरो लाके रख दे और बोल दिया कि चलो मार लो इसकी, हम लोगों ने मार ली, इन्हें पॉजिटिव हुए, जीजे के जीरो वाज ह्यूज सक्सेस इन इंडिया। उसके बाद क्या क्रंची रोल वाले बीच में आ गए, 90% तक अपना जो चार्ज है वो कम कर दिया इंडिया में। उसके साथ साथ 2 एनिमे हमारे सामने हिंदी डब में आके रख दिया और सब लोग 80 रुपए का सब्सक्रिप्शन पाके एकदम मार ली भाई। माई ड्रेस ऑफ डार्लिंग एंड लैंगिंग ऑफ स्किन को इतना बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है, चलो उनको भी साइड में रखते, एकदम हटा देता। फिर क्या डिटेक्टिव कोनन अभी भी चल रहा है नेटफ्लिक्स पर, टॉप नॉच हिंदी डबिंग यार, अभी तो हजम नहीं हो रहा है भाई ये सब। फिर चलो इसको साइड में रखते। उसके बाद क्या पीवीआर वाले ने एक और मूवी हमारे सामने आके रख दिया, वो क्या प्री मूवी, उसको भी साइड में रखना है, चलो रख देता है, सब कुछ बाहर में जाए। बीच में सोनी ये आके क्या कर दिया, नरूटो रख दिया। इंडियन एनिमे फैंस के जो इमोशन है ना, वहां पर जाकर टच कर दिया, नरूटो हिंदी डब में लाके रख दिया और कुछ ही दिन बाकी है, 3 दिन के अंदर आ रहा है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। चल नरूटो हिंदी डब, उसके साथ साथ नेटफ्लिक्स इंडिया में नरूटो शिपुडन भी चल रहा है। और अभी आज क्या गुड न्यूज मिला हम लोगों को, फाइनल इट्स कमिंग मेरे भाई, आई एम टॉकिंग अबाउट वन पीस फिल्म रेड। नरूटो हिंदी डब इंडियन टीवी पे आ रहा है, उसके साथ साथ वन पीस फिल्म रेड इंडियन थिएटर पे आ रहा है, उसके साथ साथ सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं बॉलीवुड मूवीज। इंडीड इट्स अ परफेक्ट ईयर फॉर एवरी सिंगल एनिमे फैन। ये वन पीस फिल्म रेड जो इंडिया में आ रही है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट मी, बहुत ही बड़ी बात है। बड़ी बात क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडियन एनिमेट्यूबर है, बड़े बड़े एनिमेट्यूबर है इंडिया में, वो वन पीस उन लोगों ने देखा ही नहीं है, कसम से नहीं देखा है मेरे भाई, तो उन लोगों ने नहीं देखा इसलिए उतना प्रमोट भी नहीं हुआ कभी, बट स्टिल इतने सारे फैंस से भर गए वन पीस का इंडिया में। ये मूवी आ रही है इंडिया में ब्रो, लोग क्रेज क्यों दिखाएंगे, थोड़ा सोचो कि कुछ तो है ना इसके अंदर कि लोग इतना पागल है इसके लिए। विल जस्ट हैव टू वॉच 500 एपिसोड देन यू विल नो इट कि ये मास्टरपीस क्यों है। चलिए अब मेरे को मार दे मेरे को नहीं रहना है, मार दे लाली। और ये वन पीस फिल्म रेड जो है ना, इतना ज्यादा हाइप बना के रखा है मेरे भाई। जापान के अंदर शुरू में 1.5 मिलियन टिकट सेल हो गए फॉर वन पीस फिल्म रेड, और फर्स्ट 2 दिन के अंदर 2.2 बिलियन येन से भी ज्यादा इनकम कर लिया है ब्रो, व्हिच इज मोर देन 17 मिलियन यूएस डॉलर ब्रो। कुछ तो है मूवी के अंदर, कुछ तो कमाल है मेरे भाई, वी शुड डेफिनेटली थैंक पीवीआर फॉर दैट, उन लोगों ने बढ़िया रोल प्ले किया, पहले तो जेजे के जीरो लाके फोड़ दे, उसके बाद अभी मास्टरपीस वन पीस हमारे सामने आके रख दिया। मैं बता रहा हूँ तुम में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और तुम लोगों ने दोनों एनिमे देख के रखा है नरूटो वन पीस, तुम लोगों के लिए ब्लेसिंग है ब्रो। नरूटो तुम दोबारा हिंदी में एंजॉय कर पाओगे टीवी पे वीकली, और वन पीस मूवी तुम थिएटर में जाके अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर पाओगे। भाई देखो बहुत टाइम से तो कर लिया कि वन पीस फिल्म रेड चाहिए आना चाहिए इंडिया में, अभी आ गया, अक्टूबर में आ रहा है, 2 महीने बाकी है, मैं चाहूंगा तुम जाके देखो, पायरेटेड साइट, ये साइट, वो साइट, सब बाहर में जाए आ गया, सपोर्ट करो जैसे तुम लोगों ने जेजे के जीरो को किया था, याद है, फोड़ दिए एकदम से, उसके बाद कितना कुछ देखने को मिला, वैसे ही तुम फिल्म रेड देखने जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन वन पीस फैन, बहुत सारे लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई हम लोगों ने तो वन पीस नहीं देखा, क्या हम लोग एक मूवी देखने जा सकते हैं। इट्स ऑगस्ट राइट, सेप्टेम्बर अक्टूबर 2 महीने से भी ज्यादा हुआ कि लास्ट में आ सकते हैं, मैं बोलूंगा इट्स ग्रेट टाइम टू स्टार्ट वन पीस, प्लीज do it bro, 2 महीने more than 60 days is enough to complete one piece, complete छोड़, तुमको complete करने की जरूरत नहीं है, ये one piece है, halfway cross नहीं कर पाओगे, 500 episodes 400 episodes तो आराम से, daily अगर तुम 5-6 episode देख लो that's enough। मैंने बहुत पहले एक video बना के रखा, जिन लोगों ने कभी अपने life में one piece नहीं देखा, मैं बोलूंगा कि जिन लोगों ने सच्ची में नहीं देखा वो जाके वो video देख लो, तुमको बढ़िया लगने वाले, पूरी video देखना। नॉन वन पीस फैन से याद आया हिशम डिसेंस, उसने भी अभी तक वन पीस नहीं देखा, तो उससे हम लोग थोड़ा बात करके रिएक्शन देखते अबाउट वन पीस फिल्म रेड इन इंडिया। तो हिशम डिसेंस से ब्रो, हाउ आर यू? आई एम फाइन ब्रो, तुम कैसे हो? या एकदम बढ़िया भाई, सुनने को आया है न्यूज़ व्यूज़ मिल चुका है कि वन पीस फिल्म रेड आ रहा है इंडिया में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सही है, मतलब एक और फिल्म आ रहा है और आई नो तुम जाओगे देखने, तुम्हारे साथ मैं भी जा सकता हूं, आई डोंट नो। अब देखो तुमको क्या लगता है ये जो मूवी है ये क्या इम्पैक्ट लाने वाला है, बिकॉज जेजे की जीरो के बाद बहुत कुछ हम लोगों को देखने को मिला इंडिया में सक्सेस होने के बाद, तुमको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट लाने वाला है ये? भाई मुझे जितना पता है कि वन पीस का फैन बेस बहुत ज्यादा मतलब मैसिव है और सब एकदम होता है ना कि स्ट्रांग है, सब एक साथ रहते हैं तो यस। तो ब्रो
तुम, मैं और इमरान ने साथ में मिलके वो जेजे के जीरो देखने गए, बहुत एकदम अलग एक्सपीरियंस, कुछ किया, मजा आया। तो अभी जो ये आ रहा है वन पीस फिल्म रेड, वो तो मैंने और इमरान ने देख लिया वन पीस, बट तुम अकेले रह गए जिसने वन पीस नहीं देखा। अभी क्या मतलब कैच कर पाओगे 2 महीने के अंदर? बहुत टाइम है, हाफ क्रॉस कर लोगे फिर भी चलेगा। कुछ तो कैच कर पाऊंगा, बट आई डोंट नो ये मतलब एनीमे रिलेटेड होगा या बाहर का होगा। अगर एनीमे के अंदर से कोई हिस्ट्री होगा तो मेरे लिए स्टोरी है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली है। देखो देखो देखो, मैं तुमको बोलता हूँ, नारुतो मेरे को किसने सजेस्ट किया? मैंने तुमने किया, मैंने नारुतो देखा, मेरा फेवरेट हो गया ना, तो मैं तुमको वन पीस सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अभी टाइम है, बहुत टाइम है, मतलब नहीं नहीं मैंने नारुतो देखा था 2 महीने या फिर 3 महीने के अंदर पूरा खत्म किया था। अभी 2 महीने से भी ज्यादा बाकी है, मतलब बहुत टाइम बाकी है। मैं चाहता हूँ तुम स्टार्ट कर दो। कितना देख पाऊंगा अगर मैं डेली 10 एपिसोड देखूं? इनफ, 600 एपिसोड्स। तो मैं चाहता हूँ तुम स्टार्ट करो और अपना जर्नी जो है ना वो अपने जो लोग है ऑडियंस उनके साथ से शेयर करो। एंड वैसे भी तुम्हारे चैनल का नाम तो डी से है भाई, हिशम डी। किसने रखने वाला है एलयू? हाँ मैंने रखने वाला। लोग मुझे मारेंगे कि हराम खोर वन पीस नहीं देखा, डी रख दिया। मुझे पता है मैंने रखने वाला, बट मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा फेवरेट बनने वाला है। तो या जर्नी स्टार्ट करने वालों या फिर नहीं? हाँ स्टार्ट तो करूंगा, मतलब कल से स्टार्ट करूंगा मैं। और तुम विलन के लिए एक्साइटेड? विलन के लिए तुम विलन के लिए एक्साइटेड? विलन के लिए यस ब्रो, मुझे पता है कि वन पीस का जो विलन है उसके लिए मैं सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं एक्साइटेड हूं कि वो उसको देखा था ना, उसका नाम क्या था, डॉफ्लामिंगो, डोंकी होते डॉफ्लामिंगो, डॉफ्लामिंगो का कुछ एडिट्स देखा भाई, ये है ये बीस्ट है भाई, डोंकी होते डॉफ्लामिंगो। या आज के वीडियो में यही बोलना था, जिन लोगों ने अभी तक जर्नी स्टार्ट नहीं किया तुम लोग कर सकते हो, और जो वन पीस फैंस हैं मैं बोलूंगा तुम अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करो, बिकॉज 2 महीने के अंदर वो भी कॉट अप कर लेंगे, आराम से सब लोग एंजॉय कर पाओगे थिएटर में जाके। हेलो दैट्स इट फॉर नाउ, होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू रिलेट इट मेक श्योर टू लीव अ लाइक, बिकॉज तुम्हारा लाइक रेशियो देख के तुम्हारा भाई मोटिवेट होता है और भी वीडियोस बनाते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, मन करे तो इंस्टाग्राम पे आके बातचीत कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।